भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने मौसम उपग्रह इनसेट 3DR के प्रक्षेपण की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए 8 सितंबर शाम 4:10 का समय तय किया गया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से GSLV रॉकेट 2211 किलोग्राम के इनसेट 3DR उपग्रह को लेकर उड़ान भरेगा, जिसके लिए 29 घंटे की उल्टी गिनती आज सुबह 11:10 से शुरू हो चुकी है। यह उपग्रह मौसम संबंधी जानकारी और इनसेट 3D के डेटा रिले सेवा प्रदान करेगा, जिसे 26 जुलाई 2013 को छोड़ा गया था। इसरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारतीय मौसम उपग्रह 28 अगस्त को छोड़ा जाने वाला था, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों की वजह से 8 सितंबर के लिए टाल दिया गया था। इस भारतीय उपग्रह के साथ ही अल्जीरिया के उपग्रह अलसेट को भी छोड़ा जाएगा। दोनों उपग्रहों को विभिन्न कक्षाओं में स्थापित किया जाएगा। प्रक्षेपित होने के बाद यह उपग्रह 10 सालों तक चलेगा, जिसे मौसम की बेहतर जानकारी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही 3DR का प्रयोग कोस्ट गार्ड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जहाज और रक्षा सेवाओं के लिए किया जा रहा है। उपग्रह के लॉन्च होने की प्रक्रिया में कुल 17 मिनट का समय लगेगा। मौसम की बेहतर जानकारी ना होने की वजह से भारत को कई आपदाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 3DR उपग्रह का सफल प्रक्षेपण होने के बाद कई आपदाओं के बारे में पहले ही सूचना मिल जाएगी। देखते रहिए डीवी लाइव।